यहाँ पे टॉस इस वक्त चिडावा और बोहाना के बीच सिक्का उछाला गया है। बोहाना की कप्तान निशा ने टॉस जीता है और चौबीस संभवतः को ओटी रखा है। और लीजिए इसी के साथ खेल शुरू। सीमा चली है पहली रेड लेकर गादली, बोहाना की पहली रेड क्योंकि चौबीस के बाद रेड लिया था। और यहाँ नियंत्रण खोते हुए संभवतया, जी हाँ, सेल्फ आउट और पहला पॉइंट गवाया। रफ्तार इतनी तेज थी कि अपने आप को लोबी में ले चली, रोक नहीं पाई और सेल्फ आउट के चलते पहला पॉइंट गंवाया गादली बोहाना की टीम ने। बोहाना वर्सेज चिडावा, हमने सामने कमाल का कैच किया है यहाँ पे चनाना चिडावा की टीम ने। 2-0 से आगे इस वक्त चिडावा। अच्छी शुरुआत, भले ही टॉस बोहाना की टीम ने जीता लेकिन चनाना की टीम पुरुषों के मुकाबले अच्छे नजर आते हुए। और यहाँ पे सफल रेड बाहर भेजा इस वक्त डिफेंडर को टच पॉइंट के साथ। एक बार फिर कैच करने की कोशिश मगर सफल रेड। यहाँ पे पहला पॉइंट इस वक्त बोहाना की झोली में। और इस वक्त देखिए कंचन चली है उदयमान खिलाड़ी, उभरते हुए स्टार, 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है। और यहाँ देखते हैं आखिर सीमा मध्यांतर में किस प्रकार से डिफेंस कॉर्नर पे रख सका, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। निर्धारित 30 सेकंड के जो समय है उसी के दौरान वापस लौटना होगा, अदरवाइज सेल्फ आउट माना जाएगा। सही वक्त पे वापस 3-1 से आगे इस वक्त चनाना चिडावा गादली बोहाना के सामने। इससे पहले चनाना की जो पुरुष टीम थी उसने मोरवा को पराजित किया, यानी कि जो पिलानी ब्लॉक से थी, और उसी तर्ज पे यहाँ बालिका वर्ग में भी अच्छी शुरुआत चिडावा की। एक बार फिर बाएं कॉर्नर पे निशाना बनाने की कोशिश और लक्ष्य तक पहुँचते हुए सफल रेड एक बार फिर से। चनाना पूरी फॉर्म में नजर आता हुआ इस वक्त, ऊंचा लंबा कद। और यहाँ देखिए जरूर कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करते हुए वापसी करने की, लेकिन डिफेंस इतना मजबूत चनाना चिडावा का मध्यांतर में। प्रियांशी उनके साथ प्रियंका कंचन, डिफेंस बहुत ही शानदार और उतना ही बेहतरीन रेड के रूप में भी नजर आती हुई चिडावा ब्लॉक से जो चलाना की टीम है। और इस समय देखिए प्रियंका चली है पहला रेड उनका ये इस मैच में। 4 का डिफेंस, कैच करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गई। 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहां पे लीजिए। अब अंतिम बालिका रक्षिका, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है। सुपर डुपर रेड प्रियंका की पहली ही रेड थी और पहली रेड पे काम तमाम कर दिया। और यहाँ पे लीजिए कैच करते हुए ऑल आउट इसी के साथ। करीब 3 मिनट के खेल में चिडावा ने बोहाना को ऑल आउट किया। ऑल आउट के साथ ही चिडावा 2.5 अंकों में 10 पे जा पहुंचा, जबकि बोहाना 1 अंक के ऊपर रुका हुआ। वो ठोस शुरुआत की है और इस शुरुआत का जरूर लाभ उठाना चाहेगा चिडावा ब्लॉक जो कि चंदाना की टीम है। इससे पहले पुरुष वर्ग में भी चंदाना ने शानदार जीत दर्ज की पिलानी ब्लॉक को पराजित करते हुए। कंचन विदाउट पॉइंट ही वापस, और यहां पे ब्लॉक करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचते हुए 1 अंक बड़ी देर के बाद अर्जित किया है। और अब स्कोर बढ़ता हुआ 2-10 के मुकाबले 8 अंकों की अच्छी खासी बढ़त। करीब 3.5 मिनट का खेल और उसमें चंदाना अपनी चमक भी खेरता हुआ कॉर्नर पे मौके की नजाकत, लेकिन इतना आसान नहीं। 6 का डिफेंस, बोनस ऑन साउंड जयंती स्टेडियम झुंझुने। और यहाँ गलती की कॉर्नर पे एक बार फिर से, डिफेंस ज़्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा बोहाना का। और ये देखिए इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण रेडर हैं निशा, फिट राजस्थान हिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान तो जीतेगा भी राजस्थान। जिला स्तरीय बालिका कबड्डी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023। बोनस का अच्छा प्रयास, 6 के डिफेंस में बहुत जबरदस्त शुरुआत की है चंदाना चिडावा की टीम ने। और बोहाना कोशिश करता हुआ वापसी के लिए जो कि गादली की टीम है।
थोटी गादली गांव से बुहाना ब्लॉक, लेकिन यहां समय थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। सही वक्त पे वापस और तेज कदमों से वापस पहुंचे, बोनस अर्जित किया इसी के साथ। स्कोर में लगातार वृद्धि, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, खिली हुई धूप उसके बावजूद भी खेल का जुनून देखिए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या फिर बालिका वर्ग। बोनस का इधर से प्रयास किया जरूर मगर सफल नहीं। और प्रियंका देखिए दूसरा रेड लेकर आगे बढ़ती हुई, पहला सुपर रेड था, 3 पॉइंट अर्जित किए थे और यहाँ पकड़ी गई। डिफेंस मजबूत नजर आया इस बार, ऐसी ही ताकत चाहिए। और बड़ी देर के बाद बुहाना के खाते में एक अंक और ये सफल रेड, यहाँ पे लंबी उड़ान भरी मगर पॉइंट सिर्फ एक। और ये देखिएगा इस वक्त कंचन चली है रेड के ऊपर, 6 का डिफेंस, बोनस कंटिन्यू ऑन, जरूर यहाँ प्रयास होगा कम से कम बोनस अर्जित करने का, क्योंकि लगातार गलतियाँ की तो फिर विपक्षी टीम वापसी करने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन बढ़त अभी भी चन्नाणा चिड़ावा के पास, गर्ल्स कबड्डी। और यहाँ पुश करते हैं भारत खेलने की कोशिश, लक्ष्य तक देखते हैं पहुंचे कि नहीं। 2 पॉइंट के साथ चन्नाणा सफल, लगातार वृद्धि करता हुआ स्कोर में अच्छी स्थिति में है। हालांकि बुहाना भी संघर्ष कर रहा है और यहाँ कमाल का कैच किया, रक्षिका पकड़ी गई, डिफेंस एक बार फिर से बेहतरीन। चन्नाणा की टीम अपना चमक लगातार बिखेर रहा है। भटत देखिए इस समय 4 का डिफेंस, सबसे कठिन माना जाता है, कैच कर लिया गया। ये ताकत लगातार बरकरार रखनी होगी गादली बुहाना को, तभी वो मैच में वापस आ सकता है। इसी के साथ स्कोर देखिए 16 जा पहुंचा है चन्नाणा चिड़ावा का, वहीं बुहाना 6, यानी 10 अंकों की बढ़त बरकरार। पॉइंट की तलाश है, गलती की है प्रियंका ने, टीम की प्रमुख खिलाड़ी, मध्यांतर में गलत तरीके से कैच करने की कोशिश की और उसका फायदा जाता हुआ बुहाना को, 7 स्कोर बढ़ता हुआ अब 9 अंकों की बढ़त। कोशिश की पहले आप में ही बढ़त को कम किया जाए, करीब 7 मिनट का खेल और उसमें बढ़त जो बनाई है वो काफी बहुमूल्य। कंचन एक बार फिर उदयमान खिलाड़ी, उभरती हुई स्टार चिड़ावा ब्लॉक से। और चिड़ावा की जब बात आती है तो चिड़ावा के मशहूर पेड़े कौन नहीं खाना पसंद करता, और यहाँ पे निशा चली है रेड पे एक बार फिर। 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है और यहाँ कैच करने का प्रयास, लेकिन उड़ान लंबी भरी, सफल रेड के साथ एक पॉइंट और। 8वां पॉइंट, बढ़त को कम करने की लगातार कोशिश गादली बुहाना की, लेकिन पहले आपका खेल ज़्यादा नहीं, करीब 2 मिनट का खेल बाकी, टच पॉइंट शायद होना चाहिए या नहीं, सेफ। निशा चली है रेड पे, चार के डिफेंस में निशा, जो सबसे कठिन माना जाता है 4 का डिफेंस, मुश्किल होता है पॉइंट अर्जित करना क्योंकि बोनस ऑफ। और यहां देखिए चकमा देने की कोशिश की है, कुछ कपड़े जरूर पकड़े मगर रोकने में कामयाब। यहां पे एक और पॉइंट, यहां पे कंचन लगातार आगे बढ़ते हुए, ये रीड है टीम की और इनका खेल काफी महत्वपूर्ण चिड़ावा के दृष्टिकोण से। बोनस ऑन है, 6 का डिफेंस, इसलिए बोनस बचाना चाहेगा, गलती की है कॉर्नर पे एक बार फिर से, इतना मजबूत कॉर्नर दिखाई नहीं दे रहा। और आसानी से देखिए पॉइंट कंचन के खाते में, कंधे थोड़े से झुकते हुए इस वक्त गादली बुहाना के, क्योंकि बढ़त अच्छी खासी इस वक्त चन्नाणा चिड़ावा के पास, उमदा प्रदर्शन और काफ़ी प्रभावित किया अब तक के खेल में। करीब 9 मिनट का खेल और पहले आपका खेल समाप्ति के करीब, प्रियंका चली है अब, तीसरा रेड इनका, पहला रेड सुपर रेड था, 3 पॉइंट अर्जित किए और दूसरे रेड में पकड़ी गई थी 4 के डिफेंस में। और यहाँ देखते हैं अब कैसा मुजाहरा पेश करती हैं, 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ, इसलिए केवल पॉइंट ही अर्जित कर सकते हैं। यहाँ बचाव की कोशिश बैकफुट पे जाते हुए, सेफ ही वापस आना मुनाफिम समझा, तेजी से आगे बढ़ी लेकिन
सुरक्षित इस वक्त मध्यांतर में। ये देखिए कैच किया है, अरे वाह शानदार कमाल का कैच किया दोनों पांव कंचन ने मजबूत। और ये लीजिए मध्यांतर का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है चंदाना चिड़ावा 19 जबकि गादली बुहाना 9, यानी 10 अंकों की बढ़त। और इसलिए मुनेश चौधरी जी भी काफ़ी खुश हैं जो कि टीम पर भारी चिड़ावा से, और चिड़ावा टीम को इस समय गाइडेंस देती हुई मुनेश जी चौधरी जो टीम पर भारी, क्योंकि गुरु की गाइडेंस जरूरी है, यदि उनकी पालना करते हैं तो नैया पार लगा देंगे। 19-9 के स्कोर में इस समय कंचन आगे बढ़ती हुई दूसरे आपका खेल शुरू, और निश्चित रूप से चिड़ावा बड़े अंतर से जीत दर्ज करना चाहेगा क्योंकि 10 अंकों की बढ़त पहले आप में, और ये बढ़त कम नहीं होगी। कठिन चुनौती है इस वक्त गादली बुहाना के लिए 4 के डिफेंस में। यहाँ से पॉइंट गंवाया तो फिर संकट, यहाँ पॉइंट के साथ घर वापसी। दूसरे हाफ में भी अच्छी शुरुआत क्योंकि लॉबी में थी, इसलिए 20वां पॉइंट। अब बढ़त इसी के साथ 11 की हो चुकी है, 9 के मुकाबले स्कोर 20 का जमाना। और ये देखिए यहाँ पे प्रियांशी को टच करने की कोशिश मध्यांतर में, लेकिन सुरक्षित अभी भी। यह है खूबसूरती साउंड जयंती स्टेडियम झुंझुनू की, जो जिला स्तर पे इस समय ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 का ये बालिका वर्ग का तीसरा मुकाबला चलता हुआ पहले दिन का खेल। संध्या का समय, परछाइयाँ धीरे धीरे लंबी होती हुई, लेकिन यहाँ कुछ खामोशियाँ ही बेहतर नज़र आ रही हैं बुहाना के रेडर के द्वारा। टाइम आउट इसी के साथ। चिड़ावा ने एक बालिका को रिप्लेस किया है और देखते हैं उसका फायदा कितना उठा पाता है। 3 के डिफेंस में संकट में है इस वक्त गादली बुहाना, कैच किया है सुपर टैकल में, उतना ही बेहतरीन ब्लॉक किया सामने से, और यहां सुपर टैकल से 2 पॉइंट जरूर मिले हैं। भरत को कुछ तो कम किया होगा, निशा चली है इस वक्त 11 स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 1-11। वही चिड़ावा 20 है, यानी 9 अंकों की बढ़त है अभी भी कायम। और यहाँ देखे पुष्कर थे बाहर धकेलने की कोशिश, 2 पॉइंट के साथ यहाँ सफल रेड। प्रियांशी चली है इस वक्त रेड पे, और यहाँ देखते हैं झपट्टा मारने की कोशिश, मगर सुरक्षित अभी भी। 6 का डिफेंस है, कैच किया है कमाल का प्रियंका ने, मजबूती से थाम लिया। यह है ताकत चंदाना चिड़ावा की, और कंचनी दिखाई दे रही है एक बार फिर से। बढ़त पे है इस वक्त चंदाना चिड़ावा, बुहाना मुकाबले में पिछड़ा हुआ ठोठी गादली से जो टीम पहुंची है बुहाना ब्लॉक, लेकिन यहां सुपर टेकल के संकट में नजर आता हुआ इस समय। 3 का डिफेंस, पिछले सुपर टेकल में तो कैच किया था, लेकिन यहां देखते हैं इस वक्त इतना आसान नहीं होगा, चुनौती कठिन। झपट्टा मारा है बिल्कुल कंधे के आसपास, और कंचन का एक और सफल पॉइंट यहां पे कीमती हीरे की तरह। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है बुहाना पे, शायद जीत की तैयारी करने लगा है चिड़ावा। 6-7 के डिफेंस में युवा सितारों से सजी इस वक्त चंदाना चिड़ावा की टीम, और बड़े दमदार प्रदर्शन के साथ शुरुआत यहां पे। और यहां कैच किया है, अरे वाह गुलाटी खाते हुए प्रियंका ने, चारू खाने चित कर दिया। अंतिम बाली का इसलिए आत्मसमर्पण, और इसी के साथ लीजिए ऑल आउट होता हुआ एक बार फिर दूसरे हाफ में पहली बार चंदाना के सामने बुहाना। और यहां पे सफल रेड जरूर है रक्षिका के, 6 पॉइंट दूसरे हाफ में ये बुहाना का। इसी के साथ स्कोर देखिए, बुहाना 14 जबकि चिड़ावा 28, यानी दुगना स्कोर है, बहुत मुश्किल है वापसी करना। दूसरे आपका खेल करीब 4 मिनट का हो चुका है, झपट्टा मारा जरूर है, 2 बार झपट्टा मारा, लेकिन देखते हैं आखिर निशा सेफ है संभवतः। 14 के मुकाबले 18, यानी जितना स्कोर बुहाना का है उससे तो उतनी तो बढ़त है चिड़ावा के पास, तो बहुत संकट में है, और कंचन की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। और ये देखे प्रियंका अकेली ने ही एक बार फिर से चारों खाने चित किया, चेहरे पे मुस्कान देखिए प्रियंका के, कि जिस अंदाज से उन्होंने दोनों पांव मजबूती से उखाड़ दिए,
काफी ताकत के साथ नजर आई है प्रियंका, बेहतरीन राइडर उतनी ही बेहतरीन कैचर के रूप में। यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है, शायद होना चाहिए टच पॉइंट, जी हाँ रक्षिका चली है, रक्षा देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ इस बार गलती की प्रियंका रोक नहीं पाई, बड़ी अग्रेसिव राइड दिखाई यहाँ पे कंचन, एक बार फिर लंबी सांस लेने के बाद आगे बढ़ी है, शायद राइड भी लंबा ही होना चाहिए, खेलो खेल जीतो बाजी हारो तो भी रहो राजी, मौके की तलाश, लेकिन डिफेंस यहाँ मजबूत चाहिए हर हाल में, तभी मैच में बना रहेगा, अदरवाइज मैच पे पकड़ और कमजोर होती जाएगी। मौका था लेकिन देर हो चुकी थी, प्रियांशी मध्यांतर में बचाने में कामयाब, कैच किया है, पहुंच गई लक्ष्य तक, सफल रेड सिर्फ एक पॉइंट, और यहां पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए ब्लॉक करने की कोशिश, पहुंच गए, ये बड़ा रेड है, सुपर डुपर होना चाहिए, कंचन फिर से रेड पे है, अंतिम समय में थोड़ा सा खेल रोमांच होता हुआ, वापसी के लिए संघर्ष लगातार बुहाना का बरकरार, लेकिन बढ़त अभी भी चिड़ावा की कायम, इसलिए दबाव बुहाना के ऊपर ही नजर आएगा। कंचन लगातार एक के बाद एक बेहतरीन रेड का मुजाहिरा, और जो बढ़त बनाई है काफी सरे जाता है, ये लीजिए यहाँ गलती की है, देर हो चुकी है, अपस्ताय हो क्या जब चिड़िया चुक गई खेत, अवसर था लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लूज रही तो मौका गंवा दिया, रक्षा एक बार फिर से कितनी रक्षा कर पाएंगे अपनी टीम की ये देखना होगा, तारतम्यता देखिए, पांव से एकाग्रता भंग करने की कोशिश, चार खिलाड़ियों का डिफेंस यहाँ पे है, और फिर से प्रियंका ने मजबूती से थाम लिया, अब छोड़ने वाला कहाँ है चिड़ावा, प्रियंका ही चली है इस वक्त बुलंद हौसलों के साथ, क्योंकि डिफेंस में तो काफी ताकत दिखाई है उन्होंने, और यहाँ से देखिए पकड़ी गई, ब्लॉक इतना मजबूत था कि उसे भेद नहीं पाए, धक्का जरूर दिया था मगर ताकत काम नहीं आई, चार के डिफेंस में फिर से बुहाना आगे संघर्ष करता हुआ, चिड़ावा के सामने लगातार जूझता हुआ, लेकिन चिड़ावा यहाँ पे जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, चिड़ावा ब्लॉक वर्सेज बुहाना ब्लॉक आमने सामने इस समय, या यूं कहें चंदाना वर्सेज गादली की टीमें आमने सामने गर्ल्स कबड्डी जिला स्तर पर, और ये कमाल का कैच लीजिए, समय रहते संभाला, लक्ष्य तक बढ़ रही थी, और एक और बेहतरीन पॉइंट कैच करते हुए बुहाना को जरूर, लेकिन बढ़त अभी भी चिड़ावा की अच्छी खासी, 14 अंकों की लीड अभी भी कायम है, यहाँ गलती की है, और अब बढ़त सिर्फ 13 अंकों की चिड़ावा के पास, लेकिन खेल देखिए लगभग 2.5 मिनट का बाकी, और एक बार फिर से बेहतरीन ब्लॉक, वही पुनरावृत्ति उसी अंदाज में रोका, लक्ष्य के बिल्कुल करीब, करीब 2 मिनट का खेल और अंतिम बाली का ऑल आउट होने का खतरा है, जरूर प्रयास किया रोकने का मगर ऑल आउट इसी के साथ, और अब बढ़त सिर्फ 11 अंकों की चिड़ावा के पास, कंचन चली है एक बार फिर पसीने में तरबतर, लेकिन संघर्ष जो दिखाया कमाल का, इस मैच की वुमन ऑफ द मैच कंचन ही होनी चाहिए, बेहतरीन प्रदर्शन, और चिड़ावा ने जो बढ़त बनाई उसका क्रेडिट कंचन को ही जाता है, युवा स्टार है काफी प्रतिभावान चंदाना की लाडली बेटी, और यहाँ पे चिड़ावा को जीत की ओर ले जाते हुए ब्लॉक करने की कोशिश, पहुंच गए, सफल राइड यहाँ पे, और इस पॉइंट के साथ ही अब बढ़त 15 अंकों की हो चुकी है, समय बहुत कम बचा, करीब 1.25 से 1.5 मिनट का समय बाकी, और यहाँ बढ़त 15 अंकों की इसके साथ ही चंदाना चिड़ावा के पास, गादली बुहाना बैकफुट पे इस समय बहुत मुश्किल वापसी करना, और ये देखिए रक्षिका को उछाल दिया है प्रियंका ने, भरपूर कॉन्फिडेंस, उतनी ही बेहतरीन ताकत नजर आई है प्रियंका की बात करें तो, और कंचन लगातार देखिए यहाँ समय जाया करना चाहेंगे, 16 अंकों की लीड है और समय बहुत कम बचा है, इतने समय में वापस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कंचन को कैच कर लिया है इस वक्त, लीजिए इसी के साथ समय समाप्त, और यहाँ मुकाबला
चंदाना चिड़ावा की टीम ने जीत लिया। बहुत ही शानदार खेल दिखाया और वुमन ऑफ द मैच कंचन और प्रियंका देखे समय जीत का जश्न मनाते हुए काफी खुश नजर आती हुई चंदाना की लाडली बेटी और खेल भावना यहाँ पे। और इस जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। करीब 16 अंकों के विशाल अंतर से यहां चंदाना चिड़ावा की टीम ने जीत दर्ज करते हुए अगले राउंड में प्रवेश किया। जिस प्रकार से पुरुष वर्ग में भी पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी टीम प्रभारी मुनेश जी चौधरी का भी प्रसन्न और क्यों नहीं इतनी बड़ी जीत दर्ज की है वो हाना को पराजित करते हुए। शुक्रिया।